हेलो स्टूडेंट्स वी विल हैव अ सीरीज ऑफ वीडियोस इन विच वी विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी फॉर टर्म टू एग्जाम ऑफ क्लास टेन और हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में है ना तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ए पार्ट ड्रॉ अ नीट डायग्राम शोइंग फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर एंड लेबल ए पोलन ट्यूब बी मेल जर्म सेल सी फीमेल जर्म सेल बी पार्ट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन अ फ्लार वॉट हैपन्स टू द ओवरी ओवियल आफ्टर फर्टिलाइजेशन सो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको एक तो फर्टिलाइजेशन का डायग्राम बनाना है जो कि फ्लावर का है फ्लावर में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और आपको ये तीनों जो पार्ट्स है उसमें लेबल करने हैं पोलन ट्यूब मेल जम्प सेल एंड फीमेल जम्प सेल उसके बाद आपको लिखना है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है उसका प्रोसेस कैसा है और फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी और ओविल को क्या होता है वॉट एपन टू ओवरी एंड ओविल आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओके सो लेट सी द आंसर सो हियर यू कैन सी द आंसर दिस इज द डायग्राम शोइंग फर्टिलाइजेशन इन फ्लार ये डायग्राम आपने बनाया होगा इसकी प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये तो यहाँ पर आपको पूछा गया था कि पोलन ट्यूब मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल इनको आपको लेबल करना है ड्रॉ करके मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा जो उसके लेबल्स थे वो भी मैंने लिखे हुए हैं तो ये भी आपको याद रखने हैं सो हियर यू कैन सी दिस इज द पोलन ट्यूब यहाँ पर दिस इज द पोलन ट्यूब दिस इज द मेल जर्म सेल एंड दिस इज द फीमेल जर्म सेल तो यानी यानी कि तीनों जो पार्ट है जो क्वेश्चन में पूछे गए उसको आपको लेबल करना है डाइग्राम ड्रॉ करने के बाद ओके सो so, जो बी पार्ट है इस क्वेश्चन का वॉट इज फर्टिलाइजेशन एक्सप्लेन करना है इन ए फ्लार सो एज द पोलन ग्रेन लैंड ऑन द स्टिगमा द पोलन ट्यूब फॉर्मेशन अकर्स तो जो पोलन ग्रेन लैंड होता है स्टिग्मा के ऊपर ये होता है बाई

वो यहाँ से इस पोलन ट्यूब से ट्रैवल करता है टू रीच द फीमेल जर्म सेल उसको फीमेल जर्म सेल तक आना है इसलिए वो वहाँ से इस पोलन ट्यूब के थ्रू ट्रैवल करता है एंड एंटर्स द तो ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल माइक्रोपाइल एक यहाँ पर छोटा सा ओपनिंग होता है जिसके थ्रू पोलन ट्यूब जो है वो एंटर करती है ओवल के अंदर और वहाँ पर जो है इसकी एंट्री होती है मेल जर्म सेल की ओके तो माइक्रोपाइल जो होता है वहां से इसकी एंट्री होती है मेल जर्म सेल की द फीमेल एंड मेल गैमेट फ्यूजेस टू फॉर्म द पर मेल एंड फीमेल गैमेट जो है उनका फ्यूजन होता है एंड देन जयगोट बनता है जयगोट आपको पता है ओके इट इज अ डिप्लॉयड सेल फॉर्म आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट ओके तो ये जो पूरा प्रोसेस है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन नाउ वाट है ओवरी एंड ओविल आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये इसका एक और पार्ट था क्वेश्चन का तो इसमें आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमें पता है कि जो ओवरी है इट बिकम्स द फ्रूट एंड द ओविल बिकम्स द सीड ओके सो हाउ यू विल राइट इट द ओवरी बिकम्स यार यू कैन सी आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इज डन ओवरी बिकम्स फ्रूट An oval becomes the seed. Okay. So this is the answer of this question. Now let's see the next question. So the second question is Part A: What is puberty? Part B describe in brief the functions of the following parts in the male reproductive system. Test seminal vesicle vas difference. पार्ट सी वाई आर टेस्ट इज लोकेटेड आउटसाइड द एबडोम पार्ट डी स्टेट हाउस फॉर्म मूव टूवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल तो ये जो क्वेश्चन है इसके पहले वाला हमने क्वेश्चन देखा था क्वेश्चन नंबर वन वो इस क्वेश्चन के लिए चॉइस था टू थाउजेंड ट्वेंटी का एक क्वेश्चन पेपर है उसमें से ये दोनों क्वेश्चन है चॉइस में तो इसका आंसर है वट इज प्यूबर्टी प्यूबर्टी इज़ द एज ऑफ ह्यूमन मेल्स एंड फीमेल्स एट विच द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिकम फंक्शनल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गैमेट्स एंड सेक्स हारमोन्स एंड बॉइज एंड गर्ल्स बिकम सेक्शुअली मैच्योर तो हमने जब इसका चैप्टर पढ़ा है तो हमने हमें ये पता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं दे बिकम फंक्शनल एट द एज ऑफ प्यूबर्टी तो ये ऐसी एज होती है मेल एंड फीमेल में ह्यूमन मेल एंड फीमेल में जब ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हैं वो फंक्शनल होते हैं मीन्स वो अपना काम शुरू करते हैं है ना वो अपना फंक्शन स्टार्ट करते हैं तो क्या फंक्शन होता है उनका दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गैमेट्स वो गैमेट्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं सेक्स हार्मोन्स सिक्रिट करते हैं हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि सेक्स हार्मोन्स कौन कौन से हैं मेल एंड फीमेल में तो मेल में है टेस्टोस्टेरॉन एंड फीमेल में इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों हार्मोन्स हैं तो ये सेक्स हार्मोन्स सिक्रिट होना स्टार्ट होते हैं एट द एज ऑफ प्यूबर्टी एंड बॉयज एंड गर्ल्स बिकम सेक्शुअली मैच्योर और बॉयज एंड गर्ल्स जो है वो सेक्शुअली मैच्योर होते हैं मीन्स दे आर रेडी फॉर रिप्रोडक्शन सो ये डेफिनेशन आपको इसमें लिखना है प्य बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डिस्क्राइब इन ब्रीफ द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो फर्स्ट पार्ट इज टेस्टिस वट इज द फंशन ऑफ टेस्टीज प्रोड्यूसिंग मेल सेक्स हार्मोन दट इज टेस्टोस्टेरॉन एंड प्रोड्यूसिंग मेल सेक्स गैमेट दैट इज स्प इज द फंक्शन ऑफ टेस्टीज सेकेंड सेमेनल वेसिकल्स सेमेनल वेसिकल जो है इट स्टोर स्पॉम्स टेम्पररीली एंड सीक्रेट सेमेनल फ्लूड दैट मेक्स द स्पम एक्टिव सेमेनल वेसिकल्स का फंक्शन होता है स्पॉम्स को टेम्परि स्टोर करना आफ्टर दे प्रोडक्शन फ्राम द टेस्टीज और दे ऑल्सो सीक्रेट द सीमल फ्लूड जिसको हम सिमेंट भी कहते हैं एंड दिस प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द स्पर्म एंड ऑल्सो इट रीप्स द स्पर्म्स एक्टिव स्पर्म्स को एक्टिव रखती है थर्ड पार्टी वास डिफरेंस इन क्लूरल इट इज नोन एज वास आर डिफरेंशियर है ना बिकॉज दे आर इन पेयर ये पेयर में होती है टू डक्ट्स आर देर और टू ट्यूब्स आर देर सो दे कैरी द मैच्योर स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिज टू देनिस फॉर इजैक्युलेशन इजैक्युलेशन के लिए ये स्पर्म्स को पेनिस तक कैरी करके लाते हैं फोर्थ पार्ट इज यूरेथ्रा इट इज अ कॉमन पाथवे फॉर बोथ यूरिन एंड स्पम्स यूरिन फ्राम यूरिनरी ब्लैडर एंड स्पर्म्स फ्रॉम द वासा डिफ्रेंशिया सो दीज आर दार्ट्स एंड यू हाउ टू राइट द फंक्शन पार्ट सी है इस क्वेश्चन का वाई आर टेस्ट इज लोकेटेड आउटसाइड द एबडोम इन द स्क्रोटम बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन और जिसको हम स्पर्मेटोजिनेसिस भी कहते हैं इट इज ऑल्सो नोन है लोअर टेम्परेचर दैन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना लो होना चाहिए वन टू थ्री डिग्री सेल्सियस तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से वन टू थ्री डिग्री लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर दिस स्पर्म फॉर्मेशन और इसीलिए वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लोकेटेड होते हैं टेस्टिस इज इन साइड द स्क्रोटम इतना ही लिखना है इससे ज्यादा लिखने की इसमें जरूरत नहीं है दिस वन सेंटेंस इज इनफ डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्टेट हाउ स्पर्म मूव टूअर्ड्स द फीमेल जर्म्स स्पर्म्स जो है वो फीमेल जर्प सेल तक कैसे मूव करते हैं सो वी नो दैट स्पर्म आर मोटाइल वो मोटाइल होते हैं ना मोटाइल मीन्स दे कैन मूव दम सेल्स वाई दे आर मोटाइल बिकॉज दे हैव अ टेल स्पर्म्स की टेल होती है फॉर लोकोमोशन लोकोमोशन के लिए यानी कि मूवमेंट के लिए स्पर्म्स हैव अ टेल एंड दिस टेल हेल्प्स टू मूव टूवर्ड्स द फीमेल जम्प सेल और ये टेल की हेल्प से जो है स्पर्म मूव टूवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल और इसका जो मूवमेंट होता है वो स्पाइरल होता है टेल का जो मूवमेंट होता है वो ऐसा होता है स्पाइरल ओके okay. तो ऐसे ऐसे वो टेल जो है वो पीछे की तरफ मूव करती है एंड द स्पर्म मूव फॉरवर्ड्स सो हियर वी हैव सीन ए बी एंड सी एंड डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन तो आज हमने दो क्वेश्चन देखे हैं नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें भी हम और कुछ क्वेश्चन देखेंगे ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं ठीक है